মুসলমানক ঘৃণা করা লোকজনে গ্রহণ করিলে ইসলাম ধর্ম। मैं मुसलमानों से सख्त नफरत करता था। ब्राह्मण होल गई मुसलमान। ब्राह्मण परियाल जन्म होय ग्रहण करिले इस्लाम धर्म। जब मैं कुरान पढ़ रहा था मुझे मालूम हो गया कि इस्लाम सच है। घृणा करिसिल मुसलमानक। पूर्वते आसिल एगराकी आरएसएस सदस्य। কাহানিও ইসলাম গ্রহণ নকৰিম বুলি ভবা লোকজনে অবশেষত গ্রহণ করিলে ইসলাম ধর্ম। প্রাক্তন আরএসএস নেতা উমর রাওর এয়া কাহিনী। উমর রাও পেশাত এগৰাকী সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। উমরে জনালে কিয় ইসলাম গ্রহণ করিলে তেওঁ। কিছু বছর পূর্বে মুসলমান ব্যক্তি এগৰাকীৰ সৈতে ব্যবসায় আরম্ভ করেছিল উমর রাওর পরিয়ালে। কিন্তু উমরে আপত্তি করেছিল আর কৈছিল, মই সকলোৰে লগত কাম কৰিব পাৰিম কিন্তু মুসলমানৰ লগত নোৱাৰো। কাৰণ মুসলমান লোকৰ প্ৰতি উমৰৰ মনত নাছিল কোনো সদভাৱ। কিন্তু সময়ৰ সুতত সকলো সলনি হবলৈ ধৰিলে। লাহে লাহে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ইছলামৰ বিষয়ে। উমরে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল কোৰআন। আকর্ষিত হৈছিল ইসলাম ধর্মৰ প্ৰতি। ইসলামৰ প্ৰতি ইমানেই আকর্ষিত হৈছিল যে উমরে আৰম্ভ কৰিছিল নামাজ পঢ়িবলৈও। উমরৰ এনে ধৰণৰ কর্মকাণ্ডত সন্দেহ উপজিছিল পিতৃ মাতৃৰ। ৰমজান মাহত ৰোজা ৰখাৰ বাবে মাতৃৰ সৈতে হৈছিল কাজিয়াও। ইসলাম গ্ৰহণ কৰিবনে নাই তাকে লৈ উমৰ পৰিছিল যুযুধানত। কুরানোর আয়তে সাহস দিছিল উমরক। আর এদিন উমরে ত্যাগ করেছিল নিজের ঘরখনও। ত্যাগ করেছিল উমরের সঙ্গে তেওঁর ভগ্নীয়েও ঘরখন। আর অবশেষত উমর আর তেওঁর দুই ভগ্নীয়ে গ্রহণ করেছিল ইসলাম ধর্ম। মে কবি মেরে খাবো খেয়াল মে এ নাই সোচা থা কি মে মুসলমান বনুঙ্গা। আর মে মুসলমানো সে সখত নফরত করতা থা और मुसलमानों से काफ़ी दूर रहता था। और कभी ये सोचा नहीं कि मुसलमान सही रास्ते में हो सकते हैं। और ब्राह्मण फैमिली भी ऐसी थी, बहुत ऑर्थोडॉक्स थे। इसके हिसाब से मैं कभी ये कोशिश भी नहीं किया कि मुसलमान लोग किस चीज़ पर बिलीव करते हैं। और मेरी माँ बाप ये सोचा कि उनकी जो कमाई है उससे ये काफ़ी नहीं है कि वो हम सब बच्चों को पढ़ाए, हम तीनों बच्चों को पढ़ाए और बैंगलोर में मतलब और आगे बढ़ने के लिए और थोड़ा पैसा चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पार्ट टाइम में काम करना या पार्ट टाइम में इन्वेस्ट करना उन्होंने सोचा। जो उनके पास पैसा था उन्होंने ये पार्ट टाइम एक दुकान में इन्वेस्ट करने के लिए सोचा। और एक एक मराठी बिजनेसमैन थे, उनसे इन्होंने मिला। और उन्होंने जब पार्ट टाइम ऐसा कुछ करना चाहते जब उन्होंने बताया ऐसा, तो उस मराठी शॉप ओनर ने, एक मुसलमान शॉप ओनर थे राजाजी नगर में, उनसे मिलवाया। तो मेरी माँ ने बताया, मेरे माँ बाप मेरे अंकल थे उनको बताया कि हम एक काउंटर आपके दुकान में, हमारा थोड़े चीज़ें हम सेल करेंगे और उसमें जो प्रॉफिट आएगा हम वो थोड़ा शेयर करेंगे। लेकिन वो मुसलमान इतने अच्छे थे कि वो कुछ शेयरिंग में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लिया। उन्होंने बोला कि तुमको जो करना है कीजिए, मतलब आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उसका फायदा भी आप ले सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने चार्ज नहीं किया। लेकिन मैं इससे बहुत नाराज था कि मेरे माँ बाप डेली उनके बारे में अच्छा ही बोले जब मैं उनको नफरत करता हूँ। और घर में मुझे बोले कि तुम जाके इसको संभालो। और मैं बोला कि मैं किसी से भी काम करूंगा, मुसलमान के साथ मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने सोचा कि ठीक है जाता हूँ। फिर घर मैंने उस दुकान में गया राजाजी नगर में, वो लोग बोले आप चिकपेट में हमारी मदद कीजिए, इधर आपकी जरूरत नहीं। तो उधर मैं काम कर रहा था। जब इधर मैंने काम करना शुरू किया मुझे और ज़्यादा गुस्सा आया कि इनको देखकर, वहाँ पे हिंदू लड़कियाँ मुसलमान होते थे, तब मैं बहुत नफरत करता था उन लोगों को जो मुसलमान कराते थे ऐसे लोगों को। मैं सोचा ये मुस्लिम लोग इंडिया में क्या कर रहे हैं, इनको तो जगह पाकिस्तान में है, ये लोग हमारे हिंदुओं को क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फिर बहुत गुस्सा था, बहुत झगड़ा करता था उनसे। फिर मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ और मैं समझता हूँ हिंदुइज्म क्या है बराबर, और मैं इनको एक सबक सिखाऊंगा, मैं इनको हिंदुइज्म सिखाऊंगा ताकि हम भी सच हैं। तब मैं हिंदुइज्म और ज़्यादा गौर से देखने लगा कि हिंदुइज्म में है क्या। और मीन टाइम कुरान भी मैं पैरेलली कुरान भी पढ़ रहा था। जब मैं कुरान पढ़ रहा था मुझे मालूम हो गया कि इस्लाम सच है। लेकिन
मुझे कबूल करने बहुत मुश्किल हो रहा था कि इस्लाम सच है, क्योंकि मैं मुसलमानों को बहुत नफरत करता था और मुझे मेरे फैमिली मुस्लिम्स के बहुत खिलाफ था, मतलब ब्राह्मीन कम्युनिटी एज सच। तो मुझे डर भी लगता था कि ये कैसे सच हो सकता है। जब मैं कुरान पढ़ रहा था, आगे थोड़ी आयत आई जो मैं आपसे शेयर करूंगा, ये आयत जो है मेरे दिल के अंदर बहुत तकलीफ हुआ और उसके बाद में मैंने इस्लाम कबूल किया। तब मुझे और डर लगता था कि जब मैं नमाज पढ़ना शुरू किया, कुरान बोल रहा है कि मुझे किस चीज के लिए इंतजार कर रहा, और मैं अंदर ही अंदर ये प्लान किया था मैं इंजीनियरिंग पढ़ूंगा, MBA करूंगा, उसके बाद में मैं घर से बाहर आऊंगा। जरूरत नहीं था घर से बाहर आने के लिए, लेकिन घर के अंदर भी तो नहीं कर सकता था, एक मुझे मालूम था मुझे घर से बाहर आना है। तो मैं सोचा अभी मुझे और ज्यादा स्टेप्स लेना पड़ा, और मैं कुरान पढ़ते रहा और मैं घर पे नमाज पढ़ते रहा। मैं सोचा कि मुझे एक रास्ता निकालना चाहिए कि इस्लाम कम्प्लीटली फॉलो करने के लिए, और बार बार अल्लाह ताला कुरान में बोलता है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाए। रोजा जब रखता था, कभी कभी रखता था, कभी कभी नहीं रखता था, तो मुझे मालूम था कि मैं इस्लाम में कम्प्लीटली नहीं हूँ, मुझे कम्प्लीटली आने के लिए कुरान बोल रहा है, अब मुझे कम्प्लीटली आना चाहिए। फिर बाद में पहला रमज़ान आया, मैं पहले रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के पूरे रोज़ा रखा, फर्स्ट 2 डेज शायद छूट गया होगा, पूरे के पूरे रोज़ा रखा। और मेरे घर में बहुत झगड़ा होती थी कि माँ को डाउट आने लग गया मैं रोज़ा रख रहा हूँ बोल के। अब जब उसको डाउट आता था, उस दिन मैं उससे बचने के लिए वो जब फोर्स करती थी उसके सामने खा लेता, तो ऐसे 2 रोज़े छूट गए होंगे। तो काफ़ी सारा ऐसा सब अंदर मेरे दिल में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, अंदर ही अंदर एक स्ट्रगल था, एक क्या करूँ मैं इस्लाम कबूल करूँ या क्या करूँ। लेकिन मन ही मन मेरे दिल ये बोल रहा था कि इस्लाम सच है, और मैं मानने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि माँ बाप और ये सब वगैरह, और डेली घर में झगड़ा होता था। और एक बात पर बहुत सीरियस झगड़ा हुआ माँ से, और माँ बोली घर छोड़ के तुम चले जाओ, तुम आजकल हमारी बात नहीं मानते हो। और मैं सोचा भाई यही एक अपॉर्चुनिटी है, मैं घर छोड़ूंगा और इस्लाम पर फॉलो करूंगा। अब मैं घर छोड़ने के लिए रेडी हो रहा था, मेरी बहन भी बोली मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, वो भी मेरे साथ आ गए। हम लोगों ने घर छोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अबाउट 9 ईयर्स नाउ आई हैव एम्ब्रेस्ड इस्लाम, अल्लाह ग्रेस एंड मर्सी। सो दिस इज ऑल माय स्टोरी अबाउट हाउ आई एम्ब्रेस्ड इस्लाम। न्यूज़ डेस्क, टाइम 8।